नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजप्रीत और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 10 की जो बुक हमने चला रखी है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति, और उसका हम पाठ नंबर 6 पढ़ रहे हैं स्थापत्य एवं शिल्प के विविध आयाम, और उसमें हम पढ़ रहे हैं दुर्ग शिल्प। इससे पहले हमने जो है इसके दो वीडियो बनाए, आपने नहीं देखे आइकन में लिंक मिलेगा, जाकर देख सकते हैं। अब हम इसका भाग नंबर 3 शुरू कर रहे हैं, और इससे पहले इस क्लास इस जो बुक है इसके जितने भी वीडियो हैं वो आपको आई बटन में प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप सारे वीडियो एक साथ देख पाओगे। चलिए, दुर्ग शिल्प में हमने जो है पहले चित्तौड़गढ़ का दुर्ग देख लिया था, आज हम शुरुआत कर रहे हैं कुंभलगढ़ दुर्ग की। तो देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में स्थित है। महाराणा कुंभा द्वारा दुर्ग स्थापत्य के प्राचीन भारतीय आदर्शों का अनुरूप बना कुंभलगढ़ गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण, यानी जो महाराणा कुंभा इसने दुर्ग स्थापत्य के जो प्राचीन भारतीय आदर्श के अनुरूप बनाया था कुंभलगढ़ दुर्ग, और ये गिरी दुर्ग का अच्छा उदाहरण है। मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर सादड़ी गांव के समीप स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल है, यानी ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर जो सादड़ी गाँव है उसके पास स्थित है, और ये जो है संकट काल में मेवाड़ के राज परिवार का आश्रय स्थल रहा है। इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी मंडन था, यानी इस दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? मंडन। कुंभलगढ़ दुर्ग 36 किलोमीटर लंबे प्रकोट से, यानी एक लंबा प्रकोटा है 36 किलोमीटर लंबा, ये मतलब इसकी जो दीवार है वो लगभग 36 किलोमीटर लंबी है, जो अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड में दर्ज भी है। इसकी सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि एक साथ 8 घोड़सवार चल सकते हैं, यानी इसकी जो परकोटा है या सुरक्षा दीवार इतनी चौड़ी है कि इसके ऊपर आप एक साथ 8 घुड़सवार चल सकते हैं। कर्नल टोड ने कुंभलगढ़ की तुलना सुदृढ़ प्राचीरों, बुर्जों और कंगूरों के विचार से एट्रस्कन वास्तु से की है, जो एट्रस्कन मतलब जो कोई किला है इंग्लैंड में उससे की है। दुर्ग के भीतर झालीबाव बावड़ी, यानी झालीबाव की बावड़ी है, कुंभ स्वामी विष्णु मंदिर है, झाली रानी का मालिया है, मामदेव तालाब है, ये वही मामदेव तालाब है जहाँ से जो महाराणा कुंभा का पुत्र था उदा या उदय सिंह फर्स्ट, उसने अपने पिता को जो है धक्का दे दिया था उस मामादित्य तालाब में। उड़ना राजकुमार यानी पृथ्वीराज राठौर की छतरी और अन्य प्रसिद्ध स्मारक है। यहीं जो है महाराणा उदय सिंह सेकंड का राज्याभिषेक हुआ था, और यहीं महाराणा प्रताप का जन्म भी हुआ था। इसके ऊपर राणा कुंभा का निवास है जिसे कटारगढ़ कहते हैं। इसे इस किले की ऊंचाई के बारे में अबुल फजल ने लिखा है कि यह इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर पर देखने पर शीर्ष पगड़ी कह जाती है, यानी कहा गया है कि अबुल फजल ने लिखा कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है तो नीचे से हम अगर ऊपर देखें तो सर पर हमारे अगर पगड़ी है या टोपी है कुछ भी है तो गिर जाएगी। रणथंभौर दुर्ग अगला है। रणथंभौर दुर्ग ये सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों द्वारा किया, यानी ये जो रणथंभौर दुर्ग है 8वीं शताब्दी में अजमेर के चौहान शासकों ने बनाया था। एक मान्यता के अनुसार इसका निर्माण रणथान देव चौहान ने कराया, यानी कहा जाता है इसका निर्माण जो निर्माता कौन था? रणथान देव चौहान। रणथंभौर दुर्ग हमीरदेव चौहान के साहस का मुख्य गवाह, यानी रणथंभौर दुर्ग जो है राणा हमीरदेव चौहान के इतिहास का मुख्य गवाह है। सन 1301 में अलाउद्दीन से युद्ध करते अपने शरणागत धर्म के लिए बलिदान, यानी 1301 में जब है अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर आक्रमण करते हैं राणा हमीर के पास, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी से भाग के आया हुआ था मोहम्मद शाह या मोहम्मद खां, वो यहाँ पर राणा हमीर की शरण लेता है और इस अपने शरणागत धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने ये युद्ध किया था। इस दुर्ग के स्थापत्य की विलक्षण बात यह है कि इसमें गिरुदुर्ग और वनदुर्ग दोनों की विशेषता है, यानी इधर रणथंभौर दुर्ग का गिरिदुर्ग भी है और वनदुर्ग भी है। रणथंभौर की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा ये दुर्ग बख्तरबंद है, यानी कहा गया ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। दुर्ग प्रसिद्ध में हमीर महल है, रानी महल है, हमीर की कचहरी है, सुपारी महल है, 32 खंभों की यहाँ कचहरी है, जोगी महल है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है और गणेश मंदिर भी स्थित है। अगला हमारा जो दुर्ग है वो है शिवाना दुर्ग। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित शिवाना दुर्ग का इतिहास प्रसिद्ध है, यानी बाड़मेर में जो 56 की पहाड़ है यहाँ पर जो ये दुर्ग है शिवाना दुर्ग, इसे अणखणो शिवाना दुर्ग कहते हैं, यानी खेलनो शिवाना दुर्ग भी कहते हैं। इस दुर्ग की जो स्थापना है वो 954 ईस्वी में परमार वंशी वीर नारायण ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी काल में ये दुर्ग जालौर के राजा कन्नड़ देव का जो भतीजा होता है शीतल देव उसके अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है 1310 में जब लगभग शिवाना पर आक्रमण किया जिसमें
जो वीर शीतल देव वीरगति प्राप्त हुए और दुर्ग पर जो है खिलजी का अधिकार हो गया था। शिवाना दुर्ग जो है संकट काल में मारवाड़ यानी जोधपुर की जो राजा है उनकी शरण स्थली भी रहा है। राम मालदेव ग्रीष्मेल युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछे किए जाने पर शिवाना दुर्ग में आश्रय लेते हैं, यानी जब ग्रीष्मेल का युद्ध होता है और शेरशाह की सेना मालदेव का पीछा करती है तो मालदेव शिवाना दुर्ग में आश्रय लेते हैं। चंद्रसेन ने शिवाना दुर्ग केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया। जो रामचंद्र सेन है वो भी शिवाना दुर्ग को अपना केंद्र बनाकर मुगलों के साथ संघर्ष जारी रखता है। अगला जो हमारा दुर्ग है वो है तारागढ़ दुर्ग बूंदी। गिरी दुर्ग का बेहतरीन उदाहरण बूंदी का तारागढ़ का किला पर्वत की ऊंचाई चोटी पर स्थित होने के कारण फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम तारागढ़ पड़ा। यानी ये गिरी दुर्ग का बहुत उदाहरण है और ये बूंदी का तारागढ़ किला जो है ऊंची पर्वत चोटी पर स्थित होने के कारण धरती से आकाश के तारे के समान इसका नाम तारागढ़ रखा गया। इस किले का जो निर्माण है वो 14वीं शताब्दी में राव बर सिंह ने मेवाड़ मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी रक्षा करने के लिए बनाया। यानी मेवाड़ मालवा या गुजरात से जो भी आक्रमण होते हैं उनकी रक्षा के लिए राव बर सिंह ने यह बनाया था। वीर विरोध के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह यानी जो खेता है 1764 या 1782 बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। यानी बूंदी को वो जीत करने के प्रयास में मारे गए थे। उनके पुत्र महाराणा लाखा काफ़ी प्रयत्नों के बाद भी बूंदी पर अधिकार नहीं कर सके तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। यानी क्या होता है कि जो महाराणा क्षेत्र सिंह है वो इसको जीत नहीं पाते हो तो उसके पुत्र जो है महाराणा लाखा वो भी काफ़ी प्रयास करते हैं बूंदी जीत नहीं पाते तो वो अन्न जल त्याग देते हैं। तो जो उनको क्या है मिट्टी का नकली दुर्ग बनाकर उनसे ध्वस्त करवाया जाता है और उनकी प्रतिज्ञा पूरी किया जाता है। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभा हाडा ने अपनी प्राणों की बाजी लगाई है। जो नकली दुर्ग उसके लिए नकली भी जो कुंभा हाडा है इसने अपने प्राणों की बाजी लगाई थी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। तारागढ़ में बने जो राजमहल है वो स्थापत्य कला की बहुत उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहलों की सबसे प्रमुख विशेषता है कि इनके भीतर अनेक दुर्लभ और जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना में जमा है। यानी जो बूंदी के राजमहल है इसके अंदर भित्ति चित्र बहुत अच्छे हैं। विशेषकर महाराव उमेर सिंह शासनकाल में निर्मित यहाँ चित्रशाला जो है बूंदी चित्रशैली का सबसे उदाहरण सुंदर उदाहरण प्रस्तुत होती है। यादव सिखम्बों की छतरी है, शिकार बुर्ज है, फूल सागर है, नवल सागर सरोवर है और गर्भ गुंजन तोप भी जो है बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं नाहरगढ़ का किला जो कि है जयपुर में। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण जो है वो सवाई जय सिंह ने करवाया था मराठा आक्रमण से बचने के लिए। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहा जाता है और इसका जो नाहरगढ़ नाम पड़ा है वो पड़ा था नार सिंह भूमिया के नाम पर। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जुजार नार सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नाहर सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान अंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गड्डी में स्थापित कर दिया जहाँ वे आज लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में जो है स्वामी माधव सिंह ने अपनी नौ पासवानी यानी जो अपनी नौ दासियाँ थी उनके जैसे एक जैसे महलों का भी निर्माण करवाया था। इसके बाद दुर्ग है तारागढ़। तारागढ़ दुर्ग है अजमेर में। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में यानी ये जो दुर्ग है अब खंडर के रूप में है जिसे गढ़ बैठली या अजमेरू भी कहा जाता है। साजा के शासनकाल में विट्ठलदास गोड यहाँ का जो है दुर्गा अध्यक्ष था और संभव उसी पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम गढ़ बैठली पड़ा है। यानी विट्ठलदास उसके नाम पर इसका नाम गढ़ बैठली पड़ा था। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण जो है चौहान शासक अजयपाल ने करवाया था और तारागढ़ की प्राचीन दुर्ग में जो है 14 विशाल बुर्जे भी जिसमें घूंघट है, गोगड़ी है, फुट्टी बुर्ज है, बांद्रा बुर्ज है, इमली बुर्ज है, खिड़की बुर्ज है और फतेह बुर्ज भी मुख्य है। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उसके मुंह से निकल पड़ा ओहो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। यानी जो जिब्राल्टर दुर्ग है उसकी तुलना की गई है तारागढ़ दुर्ग से। ठीक है तो ये तारागढ़ दुर्ग है और इसके बाद जो है कुछ और दुर्ग रह गए हैं उनकी हम चर्चा जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज हमने कौन कौन से दुर्ग देखे एक बार पूरे चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखा हमने कुंभलगढ़, फिर रणथंभौर, उसके बाद हम चले गए शिवाना, शिवाना से आए हम बूंदी, बूंदी से आए हम जयपुर और जयपुर से हम अजमेर और अजमेर तक हमें रुक गए। हमारी यात्रा जो है आज अजमेर तक रुक गए।
कल जो है हमारी क्लास की यात्रा प्रारंभ होगी जोधपुर से। ठीक है दोस्तों, तो यह था आज का वीडियो। वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, नहीं भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों, जय जय भारत, कर रहे हैं, स्वस्थ रहें।